इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ श्याम मेटेलिक और सोना BMW IPO के बारे में। मैंने कल जो वीडियो दिया था उसमें श्याम मेटेलिक और सोना BMW के बारे में मैंने उसका डिटेलिंग किया था, लगभग उसका हर चीज़ डिटेलिंग किया था। वो कंपनी क्या करती है, उसका कट ऑफ प्राइस क्या है, किस पे लिस्टेड होने वाला है, और उसका मेन GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बता डिस्कस किया था। आज की वीडियो में यही न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि उसका GMP कितना हुआ है, और वो आज जो 14 तारीख आज है, आज में वो कंपनी कितना धुआंधार मचा रही है, वही देखना है उस कंपनी के बारे में। वहाँ पे आपको समझाते हैं और प्रॉपर उसका GMP भी आपको बताते हैं कि GMP क्या चल रहा है इस टाइम दोनों IPO के बारे में। जी हाँ, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू SM फॉर यू। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड लिंक से आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे। चलिए बात करते हैं IPO के बारे में। जो कल के डेट में दो IPO आए हैं, श्याम मेटेलिक और सोना BMW, उनके बारे में उनका GMP क्या चल रहा है और क्या है उनका स्टेटस, कितने टाइम वो से सब्सक्राइब हुए, ये सब हम बात करेंगे। उनके न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। हम आ गए हैं अपने डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड में आते हैं अपने श्याम मेटेलिक पे। श्याम मेटेलिक में आप लोग को बताया है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये 14 तारीख को IPO ओपन हुआ था, 16 तारीख को ये डेट हो जाएगा, और ये 10 जो उसका फेस वैल्यू रखा गया था वो 10 पर इक्विटी शेयर रखा गया था, और उसका जो प्राइस है IPO प्राइस जो हम जैसे रिटेलर के लिए 303-306, हमने हमेशा बोला था कि आप हमेशा 306 पे IPO को परचेज करें, क्योंकि आपको डॉटमेंट मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिसमें से एक शेयर का जिसमें से इन्होंने जो मार्केट लॉट है 45 शेयर रखा गया था, वो ये दोनों पर लिस्टेड होगा, BSE NSE दोनों पर लिस्टेड होगा, और इसका जो अलॉटमेंट मिलेगा वो 21 तारीख को मिलेगा, और जो अगर अलॉटमेंट मिला तो 21 तारीख को पता चल जाएगा, अगर नहीं मिला तो 22 तारीख को आपको मेन बैंक अकाउंट में आपको रिफंड आ जाएंगे। जो लिस्टिंग डेट है डीमेट अकाउंट की वो 23 तारीख है, और आपके डीमेट अकाउंट में शो करेगा वो 24 तारीख को शो करेगा, जिसमें से मिनिमम लॉट 45 का 13,770 रखा गया था। मैंने बस बोला था कि मिनिमम एक ही लॉट बुक करें। चलिए इसके देखते हैं कि GMP कल के टाइम में 160 रुपये बढ़े हुए थे, जिसमें से मान सकते हैं कि और जिसमें से इसमें से ये आज का दिखा रहा, जब मैं कल देखा था तो 160 रुपये बढ़े हुए थे, जबकि लगभग 53-55% बढ़े हुए थे अगर आपने 306 रुपये पे बुक किया है तो। आज के टाइम में ये 10 रुपये घट गया है, 150 रुपये पे लगभग ये 48% पे आ रहा है ये अभी का ये GMP है। और साथ ही इसके देखते हैं कि इसका सब्सक्रिप्शन कितना टाइम हुआ है, इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ही बढ़िया आया, बहुत ही बढ़िया। इसका कल के डेट में इसका सब्सक्रिप्शन 2 point something था रिटेलर के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं नॉन इंडिविजुअल के लिए 1.7 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेलर के लिए जिसमें हम लोग आते हैं उसमें 5.2 टाइम्स रिटेल हुआ, जबकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। अब देखने की बात है कि किसको किसको अलॉटमेंट मिला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे रिटेलर में हम लोग आते हैं, और इनके जो एम्प्लॉय हैं एम्प्लॉय में 0.63 टाइम्स इनका सब्सक्राइब हुआ है। साथ ही बात करते हैं सोना IPO का, सोना BMW IPO का। मैंने बताया था कि 14 तारीख को सेम डेट पे जो श्याम मेटेलिक का था वही सोना का था IPO, जो उसका प्राइस रखा गया था 291 पे रखा गया था, 285-291 पे। इनका भी 10 पर इक्विटी शेयर पे फेस वैल्यू रखा गया था, ये दोनों पे लिस्टेड हो रहे हैं BSE NSE पे। इनका जो शेयर है एक लॉट का वो 51 शेयर है। जो IPO डेट था उनके जो इसका अलॉटमेंट मिलने वाला था वो 21 तारीख को मिलने वाला था, और एक मिलेगा तो आपके डीमेट अकाउंट में 23 तारीख को आ जाएगा, और वहाँ पे शो करने लगेगा 24 तारीख को, अगर नहीं मिलेगा तो 22 तारीख को आपको रिफंड कर दिया जाएगा आपके मेन अकाउंट में। इसका जो मिनिमम शेयर था एक अलॉट में 51 शेयर थे, जो कि 14,841 रुपये थे। इसका चलते हैं देखते हैं सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। इसका भी सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक है,
इसका सब्सक्रिप्शन देखा जाए आज के डेट में 4 PM पे, इसका देखा जाए रिटेलर के लिए डे वन और डे टू, डे वन में 0.5 times ये हुए थे और डे टू में उससे भी कई ज़्यादा 0.9393 हुए थे, लगभग मान सकते हैं 93% इसका हुआ है, भी इसका ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। कल के डेट में जब मैंने इसका देखा था GMP, तो इसका GMP 20 rupees हुए थे, लेकिन आज के डेट में ये 10 rupees हो गए हैं, मतलब घट गए हैं। तो हालांकि ये IPO ख़राब नहीं है, ये भी है, इसमें भी अगर जिसको अलॉटमेंट मिलेगा वो भी कुछ टाइम तक होल्ड कर सकता है, क्योंकि इसमें भी कुछ कमा के ही जाएंगे आप लोग। अगर आप लोग चाहते हैं कि लिस्ट होगा तुरंत निकाल लेंगे तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि फिर ऐसा करेंगे तो फिर आपको दोबारा IPO मिलने का चांस बहुत कम हो जाएगा।